हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं श्री भृगु हर्बल्स, मेरा नाम है निखिल भार्गव। आज का ब्लॉग फोकस है दोस्तों एक प्रोडक्ट के ऊपर जिसका नाम है वीर शोधन चूर्ण। यानी ये आपके सीमेन को प्यूरीफाई करने में काम करता है। यानी उसका अगर आपको थिकनेस बढ़ानी है या उसका आपको ज़्यादा लिक्विडिटी लग रही है, यानी जब वो ज़्यादा पतलापन है आपके सीमेन में, यानी शुक्राणु आपके कम है, उसमें भी अच्छा काम करता है। ये किसी भी कंपनी का ले सकते हो दोस्तों। अगर आप घर पे बनाना चाहो तो घर पे भी बना सकते हो, इजी है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड कोई सा नहीं है। जिसके जो घटक हैं वो काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं दोस्तों। इसमें बात करते हैं कि वीर शोधन चूर्ण में इसके घटक क्या है, इसमें क्या क्या डलता है। इसमें दोस्तों बबूल का पंचांग डलता है, यानी बबूल जो होता है, बबूल का पेड़ होता है जिसकी गोंद भी आती है, तो इसमें बबूल की बिना बीज वाली कच्ची फली डलती है। यानी बबूल का जो फली आता है वो कच्ची होना चाहिए और बिना बीज वाला होना चाहिए, वो फली इसमें डलता है। बबूल की गोंद डलती है और बबूल का कोपर डलता है। ये तीनों चीज़ें इस चूर्ण को कंप्लीट करती हैं। इन तीनों चीज़ों से ये चूर्ण बनता है। और इसको लिया कैसे जाता है, एक गिलास दूध के साथ लिया जाता है जिसमें आपको मिश्री मिलाना है, यानी जो डोरा मिश्री आती है, धागा मिश्री आती है, उसको मिला के अच्छे से आपको इस पाउडर का आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, 0% साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट होंगे आपके सीमेन थिकनेस के ऊपर। आपका शुक्राणु बढ़ाएगा यानी सीमेन काउंट बढ़ाएगा, और जो भी आपका लिक्विडिटी अगर है उसमें ज़्यादा, यानी पतलापन है, तो उसको भी गाढ़ा करने में ये मदद करता है। तो वीर शोधन चूर्ण सबसे पहले तो अच्छा कंपनी जो है वो है कृष्ण गोपाल कालेड़ा। मैं प्रोडक्ट एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बट जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं आपको इस ब्लॉग में कंटेन करता हूँ, यानी अपने ब्लॉग में इंक्लूड करता हूँ जो भी इसके अच्छे रिजल्ट है। तो कृष्ण गोपाल कालेड़ा का आप ले सकते हैं वीर शोधन चूर्ण, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है आपके सीमेन बूस्टर पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर एज मच एज यू कैन विद योर फैमिली फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।